नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। खबर गाजियाबाद से है, जहाँ गाजियाबाद पुलिस ने दो शातिर चेन लुटेरे और लूट के आभूषण खरीदने वाले एक स्वर्णकार को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा चेकिंग की गई थी, जहाँ चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर NCR क्षेत्र में स्नैचिंग की घटना करने वाले दो शातिर लुटेरे अनुज और विशाल सहित शहीद स्वर्णकार टूटी हुई चैन को खरीदने वाला दौलत राम को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए महिलाएं और घूमने जाती थी, तो वहीं ये लोग ऐसे बाइक में जाते हुए पैदल लोगों को अपना शिकार बनाते थे। महिलाओं से चैन स्नैचिंग करते थे, जिन्हें आज थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। देखिए, आज थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा गुडवर्क किया है, जिसमें दो लुटेरे पकड़े गए हैं, चेन स्नैचर हैं ये, और एक ज्वेलर पकड़ा गया है जो कि इन चेन स्नैचर से जो छीनी हुई चेनें खरीदता था और उसको गलाकर उसका रूप परिवर्तित कर आर्थिक लाभ लेता था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 25 तारीख की सुबह में प्रतीक रॉयल सोसाइटी है क्रॉसिंग रिपब्लिक में, वहाँ पर एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग होती है और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसके बाद तत्काल एक्टिव हुई उस पर, उस सूचना पर काम करते हुए CCTV फुटेजेज लेकर डेवलप किया इस पूरी चीज़ को, तो उसमें ये दो स्नैचर्स जो थे उनका हुलिया मिला। उसके बाद चेहरा प्रकाश में आया, नाम फिर नाम पते की जानकारी करने के बाद इन दोनों लोगों की मुखबिर की सूचना पर इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने जो है तीसरे व्यक्ति का नाम बताया जिसको ये माल बेचते थे। तो ये दो अनुज और विशाल हैं, एक नोएडा का निवासी है और एक थाना लिंक रोड गाजियाबाद का निवासी है। ये दोनों काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हैं और ये नोएडा में भी इन्होंने घटनाएं की हैं, गाजियाबाद में भी घटनाएं की हैं, गाजियाबाद के भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में भी, जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक हो गया, इंदिरापुरम हो गया और अभी अन्य थाना क्षेत्रों में भी। जो प्रिलिमिनरी जानकारी है उसके हिसाब से है कि अन्य जगहों पर भी इन्होंने घटनाएं की है। तो एक काफ़ी अच्छा ये स्नैचर का ये अपराधियों का ये ग्रुप है जो गिरफ्तार हुआ है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास भी हैं, इनके कब्जे से एक चैन पीली धातु, एक मंगलसूत्र बरामद हुआ है, एक चैन का टुकड़ा जो टूटा हुआ टुकड़ा जो है पीली धातु का मिला है, एक चैन और पीली धातु और दो चांदी के सिक्के मिले हैं, दो कान के पीली धातु और नाक का पीली धातु और एक माल में एक पैंडल आभूषण मिले हैं। कुछ कैश मिला है जो कि ये सामान जो स्नैचिंग के बाद बेच देते थे उससे बरामद करते थे, और चोरी की एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि थाना बिश्रक गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र से चोरी हुई थी। कितनी वारदात जो है उनको ये अंजाम दे चुके हैं और कबूल कर चुके हैं? देखिए, इन्होंने इनके ऊपर में दर्जनों मुकदमे हैं, ये बहुत बार जेल जा चुके हैं, गैंगस्टर की भी इन पर कार्रवाई हुई है, अब दोबारा भी हम लोग गैंगस्टर और अन्य कार्रवाइयाँ भी करेंगे, आर्म्स एक्ट के भी इनके ऊपर में मुकदमे हैं। तो ये काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं जो कि अकेली कहीं पे क्षेत्र में अगर कोई महिला देख लेते हैं तो उसकी चेन स्नैचिंग कर लेते हैं और इस तरह की ये घटना कारित करते हैं। इसी के साथ में अगर बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद के विजयनगर और गोविंदपुर में भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं, इस तरह का प्रकरण पूरा सामने आया था, तो क्या इनका उनमें भी इन्वॉल्वमेंट? देखिए, सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हैं, हम लोगों ने बाकी अन्य क्षेत्रों में भी अन्य थानों की पुलिस को बता दिया है, सूचना दे दी है, नोएडा में भी हम लोगों ने सूचनाएं दी हैं। इनके पूरे मूवमेंट को स्टडी किया जा रहा है और ये विवेचना के तहत में इनके और भी अन्य आपराधिक इतिहास जो इन्होंने घटनाएं की होंगी वो भी प्रकाश में आएंगी और सभी पर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के अपराधी जो है जेल में ही रहें, जेल से बाहर ये क्षेत्र में अपराध करने के लिए बाहर ना पाए। इनके ग्रुप में कितने लोगों की होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, अभी तो ये जो दो पकड़े गए हैं, स्नैचर पकड़े गए हैं और एक ज्वेलर पकड़ा गया है जो इनसे लूट की चेनें खरीदता था, इसके अलावा और अन्य जानकारी की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग एक दर्जन से ऊपर हैं, एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी विवेचने के समय निकल के आएंगे, विभिन्न थानों में दर्ज हैं, कुछ अज्ञात में लोगों की हैं, जब जानकारी होगी पूछताछ करेंगे तो और भी प्रकाश में आएंगे। तो ये एक मतलब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसमें चीज़ें निकल के आएंगी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।